ये रही हमारा ब्लैक पैंथर भाई, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना ब्लैक पैंथर को, आंखें दिखा रही है। ये कह रही है मैं पूरी अभी जो है रोड ट्रिप करके आई हूँ, पूरी डस्टी डस्टी हो रही है, पूरी गंदी 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 गंदी, फुल लाहौल 16,000 फीट की ऊंचाई पे 12 लाचला पास पे होके आए हैं हम भाई। एंड द कार हैज़ परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल, एंड मोर देन द कार आई वुड से कि उस स्नोई टेरेन पे ये वाले मेरे ऑल टेरेन टायर्स हैव परफॉर्म्ड रियली रियली वेरी वेल यार, बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्म किया इन्होंने यार। तो अब हो जाए थोड़ी सी चाय कॉफ़ी। तो भाई सारा यहाँ पे ये ब्लॉकेज है, ये यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेज कर रखी है, ये पत्थर लगा के रोक रखा है सबको। इधर से भी मर्जिंग ट्रैफिक है, उधर से भी मर्जिंग ट्रैफिक है। दिस इज द प्रॉब्लम, इट विल टेक टाइम। बसड़ों की गाड़ी घुसेड़ दी इसने बंदे ने, लड़कों ने गाड़ी निकाल दी अपनी फसा फसू के, गाड़ी टच हो गई है, लगा दी उन्होंने वेंचर गाड़ी एक दूसरे के साथ, ये चल रहा है इनका, बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। यही कारण होते हैं रोड रेज और अननेसेसरी पंगों के। यहाँ पे ये रहा हमारा ब्लैक पैंथर काला चीता, हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे हैं यार। तो भाइयों अब टनल का एंड है, बहुत लोग समझदार हैं यार, मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ। इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं, एक यार एक चीज़ है यार, आई डोंट नो व्हाई बट मुझे, आई डोंट नो इफ आई एम साउंडिंग राइट और रॉन्ग, बट जितनी बड़ी गाड़ियों वाले हैं ना, पता नहीं ये भी गलत है स्टेटमेंट, पर बहुत लोग समझदार हैं यार, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, रुके हुए हैं लोग यार। और कुछ लोग हैं जो दो चार लोग हैं जो पूरा माहौल ख़राब करते हैं, ऑब्वियसली बाई नेचर यार, अगर वीआईपी गाड़ियां फटाफट निकल रही हैं और किसी को जल्दी हो तो लोग बाग वीआईपी गाड़ियों के और एम्बुलेंसों के पीछे गाड़ी लगा लेते हैं स्पीड में, कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग फंस जाते हैं, जो फंस जाते हैं वो बाकियों को भी फंसा देते हैं यार। तो ये नहीं करना चाहिए, आप वीआईपी गाड़ी इमरजेंसी व्हीकल्स को जाने दो, लेट देम गो। और बाकी यार देखो 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं यार। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि यार थोड़ा सा समझदारी से प्यार से काम लो और अपना लेन डिसिप्लिन फॉलो करो और गाड़ियों को चलने दो, यही बहुत ज़रूरी है यार। मैं एक बात गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर सब अपनी लेन में होते ना तो अब तक 10 मिनट पहले सब निकल भी गए होते। लेन फॉलो, लेन डिसिप्लिन हर जगह लिखा होता है, सिर्फ इसीलिए लिखा होता है। या हम भी निकल ही रहे हैं, देखो टनल का एंड आ गया, वो सामने लाइट नज़र आ रही है, हम भी निकल ही रहे हैं, क्या हुआ यार 20 मिनट ज़्यादा लग गए, ठीक कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। भाइयों इस चीज़ों को समझो, समझदारी दिखाओ यार थोड़ी सी ना। हम लोगों को जब हम गाड़ी लेकर रोड पे निकलते हैं तो वी शुड बी वेरी वेरी सेंसिबल टूवर्ड्स द ट्रैफिक रूल्स एंड टूवर्ड्स आर को पैसेंजर्स एंड टूवर्ड्स आर जो दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके टूवर्ड्स भी यार। यही चीज़ मैं कह रहा था, ये भाई ने तो फुटपाथ पे चढ़ा दी गाड़ी पहली, और ये दूसरी, ये तो गाड़ी ठोक के भी लाया हुआ आगे एंडेवर, और ये तीसरा बंदा यार। तो ये बहुत ही इमेच्योर हरकतें हैं यार, फुटपाथ पे चढ़ा के आप लोग गाड़ी निकाल रहे हो यार, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल यार। मेरे पास भी ऐसी हुई है यार, मैं भी 2 मिनट में चढ़ा के निकाल सकता हूँ यार, 1 सेकंड लगेगा मुझे यहाँ से लेफ्ट काट के आगे जाने में, बट आई एम नॉट डूइंग इट। अब मुझे बड़ी देर बाद नजर आ रहे हैं यहाँ पुलिस वाले हैं, यहाँ पे बहुत देर बाद नजर आ रहे हैं कि पुलिस वाले आ गए यहाँ पे, देख रहे हो इसको, ये किया वाले को कितनी जल्दी हो रही है इसको। गलत है ना यार ये चीज, एक्चुअली पुलिस ने वहां पे बैरियर लगा दिया, पहले वो बैरियर लगा नहीं हुआ था, वो बैरिकेडिंग कर दी कि बेटा आप निकलोगे तो इसी लाइन से निकलोगे, और थोड़ी देर बाद वो इधर बैरियर लगा के उधर का ट्रैफिक को छोड़ेंगे, वो अब ये करेंगे वो लोग।
तो भाइयों ये कच्चे रास्ते से अब गाड़ी को निकाला जा रहा है, ये क्लेश पड़ा हुआ है यहाँ पे। उधर एक एंडेवर ने ठोक दिया BMW 7 सीरीज को, वो एक दूसरे का सर पाड़ गए, अभी लड़ रहे हैं। जो दो दो गाड़ियां मेरे साथ से निकली थी ना, आपको व्लॉग में 2 मिनट पहले नजर आएगा, एकदम गोली की तरह, जो व्हाइट एक एंडेवर और एक व्हाइट क्या कहते हैं ब्लैक 7 सीरीज, ये दिखाने की कोशिश करते हैं आपको हम। तो हमने कवरेज ले ली है यार, आपको दिखाते हैं उसको क्लिप को लगा के, जहाँ पे ये एंडेवर और ये जो 7 सीरीज ठुकी है यार। तो यही नतीजा होता है ना यार, अगर आप ज़्यादा इंपेशेंट हो गए, ऐसे करोगे, शाणे बनोगे तो ऐसे ही होगा ना यार। ये डेफिनेटली उस VIP गाड़ी के पीछे निकले होंगे और लग गई होगी इनकी, क्योंकि एक्सपर्ट ड्राइवर तो वो लोग होते हैं, ये लोग तो होते नहीं, उनको तो ट्रेनिंग होती है। तो भाई ये है यार, क्या फ़ायदा हुआ जो इन्होंने 15 मिनट बचाने के चक्कर में, अब ये वहाँ पे 6 घंटे जो है वो लड़ाई करेंगे, दूसरे का सर पाड़ेंगे, तू पैसे दे मैं पैसे दूंगा, तेरी इंश्योरेंस मेरी इंश्योरेंस, यही चलता रहेगा बस। अभी ये होते हैं शाने लोग। तो देखो भाइयों, ऑफ रोडिंग हो गई हमारी तो यार, XUV ने बर्फ भी कर ली, ऑफ रोडिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया हमारी तो गाड़ी ने। तो भाई इन्होंने तो पूरी हमारे को ऑफ रोडिंग करवा दी है, पूरी तरह से हम 70 डिग्री डाउन जा रहे हैं हम लोग इस वक्त। पता नहीं इसमें कितना पता चलेगा, बट वी आर गोइंग 70 डिग्री डाउन। चलो भाई साहब, निकाल दी हमने तो गाड़ी अपनी, ये होता है SUV का फायदा। चलो बोलो जय श्री राम। तो भाई आई थिंक हम लोग बहुत जल्दी हिमाचल क्रॉस कर जाएंगे, हिमाचल टापो टाप हो जाएंगे। और ये देखो ये आ गया उसका गेट, सो वी आर आउट ऑफ हिमाचल नाउ। और अब आधे घंटे में कहीं रुक के अच्छी सी चाय पियेंगे यार, चाय ये दिल मांगे चाय। तो बड़ की नहर कितनी प्यारी लग रही है, अब हम रूपनगर कीरतपुर साहब होते हुए निकलेंगे, बहुत ही प्यारी नहर के साथ साथ। चंडीगढ़ दिखा रहा है जी स्ट्रेट, तो चंडीगढ़ ही चल लेते हैं फिर। अब हम चंडीगढ़ की तरफ निकल लिए हैं, अब तो कहीं भी जाओ यार, हम तो रोड ट्रिप पे ही निकले हुए हैं। तो घनौली 19, चंडीगढ़ 70 और 323 दिल्ली। पुल देखो भाई साहब कितना खूबसूरत पुल बनाया हुआ है, नहर के साथ साथ नहर के ऊपर बनाया हुआ है। ये देखो ये रही नहर, और ये हम पुल के ऊपर से निकल लिए हैं। वो देखो जी साथ साथ हमारी नहर जा रही है ना खूबसूरती। आई थिंक ये वो वाला गुरुद्वारा है मीनू, यहाँ पे ना 24 आवर चाय मिलती है बहुत अच्छी। मत्था टेक लो भाई, जय जय कर लो, जय जय। सो भाई एन रूट, नाउ वी हैव स्टॉप्ड इन अम्बाला, जस्ट अहेड ऑफ अम्बाला जग्गी सिटी सेंटर। तो यहाँ पे भी हम चाय कॉफ़ी लेंगे। ये रही हमारा ब्लैक पैंथर, भाई देख रहे हो ना, देख रहे हो ना ब्लैक पैंथर को, आंखें दिखा रही है, ये कह रही है मैं पूरी अभी जो है रोड ट्रिप करके आई हूँ, पूरी डस्टी डस्टी हो रही है, पूरी गंदी 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 गंदी, फुल लाहौल 16,000 फीट की ऊंचाई पे 12 लाचला पास पे होके आए हैं हम भाई। एंड द कार हैज़ परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल, एक्सट्रीमली वेल, एंड मोर देन द कार आई वुड से कि उस स्नोई टेरेन पे ये वाले मेरे ऑल टेरेन टायर्स हैव परफॉर्म्ड रियली रियली वेरी वेल यार, बहुत ही ज़ोरदार परफॉर्म किया इन्होंने यार। तो अब हो जाए थोड़ी सी चाय कॉफ़ी। वी आर सेटिंग एट द चाय कॉफ़ी ट्रैप, बड़ा अच्छा कंटेनर से बनाया इन्होंने, एयर कंडीशनड, अंदर बैठ के यू कैन हैव ऑल दीज थिंग्स यार, लॉट ऑफ गुडीज, इट सीम्स टू बी ए गुड जॉइंट। तो अभी यही बैठते हैं अपन लोग। तो भाई चाय कॉफ़ी हो गई है और चले अब हम अपने घर की तरफ, गाड़ी में बैठे काले चीते में, काला चीता ब्लैक पैंथर। चलो मैडम आओ जी बैठो बैठो, सो लेट्स गो गाइस, दैट इज़ द हाईवे, दैट इज़ द रूट एंड दिस इज़ द कार। तो भाइयों देख रहे हो क्या हाल है सड़कों का, रात को हम पहुंच रहे हैं गुड़गांव और इस भाई साहब का एक्सल टूट गया पीछे का,
पीछे का पटे कमानी टूट गए गाड़ी के, और ये भाई साहब जो है बीच सड़क में धाराशाही हो गए हैं। तो चलो आराम आराम से चलते हैं घर। सो गाइस, वी जस्ट हॉल्टेड एट थेबेस ग्रीक हाउस, देख रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं अंदर से कैसा है। ये गाड़ी हमारी काला चित्ता ब्लैक पैंथर, और दिस इज थेबेस ग्रीक हाउस कैफे रेस्टोरेंट बार। देखा जा रहा है एथेंस पिज्जा, डोसा डोसा, थेबेस एंट्री। तो ये लोग गए हैं दोनों जस्ट टू चेक आउट हाउ इट इज, एंड देन वी विल सी। अब इस गाड़ी को कल लेके जाऊंगा मैं, पूरा काम कराऊंगा इसका, पूरी तरह से इसको सेट कराएंगे गाड़ी को, सर्विस वर्विस करा के एकदम, एवरीथिंग विल बी सेट। तो देखते हैं, इसको दुल्हन बनाएंगे कल गाड़ी को बढ़िया तरीके से, और इसके ऊपर हम लगाएंगे 13,000 feet डन बारा लाचा लापा। तो इसका हम लगाएंगे और फिर इसके ऊपर स्टिकरिंग विकरिंग करके इसका पूरा बना देंगे गाड़ी को एकदम टनाटन। अभी हो गई हमारी रोड ट्रिप्स की वाली कार। तो चलो लेट्स वेट, देखते हैं क्या इशारा आता है। तो फाइनली वी हैव लैंडेड अप इन गुलशन ढाबा, वी हैव कम अक्रॉस द रोड, यू टर्न लेके हम लोग वापस इस तरफ आ गए हैं, एंड सी व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड। वी हैव ऑर्डर्ड दिस दाल, देन राइस, देन पनीर पराठा, और पराठा भी हमें तवे वाला चाहिए था। तो भाई ये चल रहा है अभी दही के साथ, हल्का फुल्का, ज़्यादा हैवी नहीं खाना। मैंने तो थोड़ा ट्राई किया दही में, दाल में दही डाल के, एंड इट इज़ रियली ऑसम यार। मैं हमेशा गुलशन में रुकता था, बट आई फाउंड दिस, सॉरी, मैं हमेशा पहलवान में रुकता था, बट आई फाउंड गुलशन मच बेटर। तो भाई ये खाना खाते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं, फिर बात करते हैं। सो गाइस, वी हैव हॉल्टेड एट दिस गुलशन ढाबा, बहुत बढ़िया बनाया, खाना भी बहुत अच्छा था। और ये खड़ी हमारी ब्लैक पैंथर, और अब हम चलते हैं, रवानगी डाल देते हैं गुलशन ढाबे से, गाड़ी में बैठा जाए और रवानगी डाली जाए। सो वेलकम बैक गाइस, थक गए हैं बहुत बुरी तरह से, घर वापस आ गए हैं। संडे को रात को 2 बजे निकले थे और फ्राइडे को रात को 2 बजे आए हैं भाई, मतलब सैटरडे अर्ली मॉर्निंग। 1500 किलोमीटर का ट्रिप हुआ है, रोड ट्रिप। दिल्ली से गए हम शिमला, शिमला से गए हम कसौल, कसौल से गए मनाली, मनाली से गए हम लाहौल एंड स्पीति, एंड वी डिड बारालाचा पास विच इज़ 16,000 feet। तो भाई बुरा हाल, ऑक्सीजन कम थी, सब 0 degree टेम्परेचर्स, पूरी स्नो से भरा हुआ। एंड उसके बाद वापस मनाली आके कंटिन्यूस ट्रिप किया पूरे 550 किलोमीटर का नॉन स्टॉप। सुबह 2 बजे निकले थे, 12 बजे निकले थे सुबह, और अभी पहुँचे हैं रात को 2 बजे। सो गाइस, हैव अ ग्रेट टाइम, गुड नाइट। और अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सपोर्ट और कमेंट नहीं कर रहे हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विक्रम शर्मा माइल्स टू मेमोरीज ऑन यूट्यूब, ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में और ऐसे ऐसे आपको बना के देता रहूँ कंटेंट बढ़िया वाले। तो आगे और टूर आने वाले, थैंक यू वेरी मच, बाय।